दुमका जिला प्रशासन द्वारा पीओ बॉन्डिंग के जन्मदिन पर दुमका में संथाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए संथाली साहित्य के लेखकों और विचारकों ने हिस्सा लिया। बता दें कि पीओ बॉन्डिंग नॉर्वे का रहने वाले थे, जिसे अंग्रेजों ने अपने राज्य विस्तार के एक टूल के रूप में उपयोग करते हुए यहाँ के आदिवासियों का धर्मांतरण ईसाई में कराने के लिए लाया था। लेकिन इस क्रम में आदिवासियों के बीच वे ऐसे रच बस गए कि वे अपने मूल विषय धर्मांतरण से हटकर यहाँ के आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति की खूबियाँ खोजने में लग गए। उन्होंने संताली शब्दावली के अलावा इसकी चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी पर कई किताबें लिखी। दुमका में आए विद्वानों ने उनकी इसी विशेषता का उल्लेख कर संताली संस्कृति और इसके साहित्य को विकसित करने की बात कही। ये कार्यक्रम चूंकि जिला प्रशासन की ओर से किया गया है और हम लोग इससे मेरा व्यक्तिगत दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और जिससे हालांकि ये राइटर्स जो हमारे हैं विदेशी हैं, लेकिन इन्होंने जो इस संथाली पर रिसर्च किए हैं वो बहुत ही आज के युग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्राइबल लॉ एंड ट्राइबल से संबंधित जितने भी ये लिखे हैं बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ लिखे हैं जो आज हम हमारे समाज में उपयोगी है। पीओ बॉन्डिंग को अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने के लिए भारत भेजा था, ताकि अंग्रेजों को यहाँ राज्य विस्तार में सहूलियत हो सके, लेकिन पीओ बॉन्डिंग यहाँ आकर उल्टे आदिवासी रंग में ही रंग गए। आज दुमका में पीओ बॉन्डिंग संथाली लिटरेचर फेस्टिवल्स का आयोजन किया गया है। पीओ बॉन्डिंग के बारे में कहा जाता है कि वो नॉर्वे से यहाँ पर आए थे और अंग्रेजों ने उन्हें यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वे ईसाइयों धर्म में यहाँ के खास करके आदिवासियों को टर्न अप कर सकें, लेकिन यहाँ आकर आदिवासियों के प्रेम में वे ऐसे रंगे, इनके ही साहित्य के विकास में उन्होंने अपना अप्रतिम योगदान दिया था और उन्होंने कई रचनाएं की जो साहित्यिक दृष्टिकोण से संथाली समाज का एक बड़ा आईना है, चाहे वो होम्योपैथी रहे या और दूसरे तमाम चीज़ें जो एक प्रकार से संथाल से विलुप्त होती चली जा रही थी उसको उन्होंने उजागर किया। 7 वॉल्यूम में इन्होंने संथाली भाषा की डिक्शनरी लिखी, तो तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ के लिए किया और जो मूल काम अंग्रेजों ने इन्हें सौंपा था यानी धर्म परिवर्तन, संथालों को ईसाई में परिवर्तित करना, उसको ये भुला गए थे। अंत में तब कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार ने इन्हें फिर वापस भेज दिया था, लेकिन इस बीच उन्होंने यहाँ के संथालों के लिए बहुत सारे काम किए थे। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।